मध्य प्रदेश में कलेक्टर, एसडीएम, टीआई क्या पैसों से बनते हैं? ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि लगा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी। खुला चैलेंज है और कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवा लो अगर हिम्मत है। मामला क्या है बता देते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश में केवल बेरोजगार ही परेशान नहीं है, परेशान किसान भी हैं और उन्हीं किसानों के लिए किसान न्याय यात्रा निकाल रही है मध्य प्रदेश की कांग्रेस। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम बड़े नेता पूरे प्रदेश में रैलियां निकाल रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सोयाबीन के दाम जो MSP है उसे 6000 किया जाए। उसी यात्रा के दौरान जीतू पटवारी सार्वजनिक मंच से एक बयान देते हैं, कहते हैं कहाँ है TI, है क्या यहीं? पूछ लीजिए इनकी पोस्टिंग कैसे होती है। खुले आम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं, SDM हो, तहसीलदार हो, TI हो, यहाँ तक कि कलेक्टर भी हो, इनकी पोस्टिंग पैसों के लेन देन से होती है। आप कोई थानेदार हो, ये TI साहब है क्या? किधर है? कहाँ है TI साहब? ईमानदारी से बताना कि बिना पैसे लिए आपको खाना मिला है क्या? अरे यहाँ तहसीलदार है क्या? तहसीलदार है, ज्ञापन देने का था। कहाँ है SDM? कहाँ है? आपने बयान बहुत अच्छे से जीतू पटवारी का सुन लिया। आपको क्या लगता है, क्या इनकी पोस्टिंग क्वालिटी देख करके होती है? किसमें अच्छा गुण है, कौन कितने प्रतिशत ईमानदार है, या फिर कौन पैसे से भारी है, कौन पैसा ऊपर कमा करके दे सकता है, इस आधार पर होती है? हमें नहीं पता। जीतू पटवारी से माफी मांगने की डिमांड कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो जीतू पटवारी इसके जवाब में कह रहे हैं कि मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माफी मांगने में। मध्य प्रदेश में केवल 20 अधिकारियों के नार्को टेस्ट करवा दो, अगर वो नार्को टेस्ट में पास हो जाए, सफल हो जाए, तो मैं खुलेआम माफी मांग लूंगा। वरना मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता से माफी मांग ले। टेस्ट करा लूंगा झूठ बोलोगे तो, बिना पैसे से पोस्टिंग हुई है क्या? बिना पैसे से पोस्ट पे नहीं आया है। और मुझे अगर झूठा कहते रहो, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी को प्रदेश से माफी मांगना चाहिए। जरूर मांगूंगा मुख्यमंत्री जी। आप कोई 5 IPS अधिकारी जो जिले में काम कर रहे हैं अभी, 5 IAS अधिकारी जिनको आपने पोस्टिंग दी है, उनका नार्को टेस्ट करा दो और अगर वो सच निकलेंगे तो मैं आप प्रदेश के सारे अखबार, मीडिया और पूरी जनता के सामने आपसे माफी मांगने आऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नार्को टेस्ट में आप फेल हो गए, पोस्टिंग पैसे से हुई, तो फिर क्या आप इस्तीफा दोगे? आपके पास से आप इस्तीफा दोगे क्या? माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जो कलेक्टर, जो तमाम बड़े अधिकारी पैसा दे करके आएंगे, वो इस पैसे की भरपाई जनता से ही करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है हकीकत में पैसा चलता है क्या? और चलता है तो केवल यही चलता है या फिर नौकरियों में भी चलता है? बेरोजगार कहते हैं कि नौकरियों में भी चलता है, हमें नहीं पता। क्या किसी ने कोई पैसा दिया है, आपके पड़ोसी ने, मोहल्ले ने, दूर के रिश्तेदार ने, और आप जानते हो कि हाँ भाई साहब पैसा दिया है? और आप ऐसे किसी कलेक्टर को भी जानते हो जो पैसे की दम पर आया हो, आपको लगता हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव नार्को टेस्ट करवाएंगे क्या या फिर नहीं करवाएंगे? दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।